हेलो एवरीवन, टेस्टी फूड रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ साउथ इंडियन रेसिपी सांभर। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हाफ कप हरड़ का डाल लिया है, उसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और ये इस तरह फूल गया है। कुछ कद्दू के पीसेस लिए हैं और कुछ बीन्स लिया हुआ है। एक प्याज कटी हुई, 3 हरी मिर्च कटी हुई, 4 पीस लहसुन है, सरसों का तेल लिया हुआ है, हल्दी, नमक, हींग, कुछ कड़ी पत्ते और 2 सूखी लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून, इमली का पेस्ट 2 टेबलस्पून, सांभर मसाला, जीरा पाउडर और ये पंचफोरन। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पर एक कुकर रख देंगे और उसमें पानी डाल देंगे। पानी पहले ज़्यादा नहीं डालेंगे, बाद में ऐड कर सकते हैं। इसमें हल्दी डाल देंगे, अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे, इसमें जो भीगा हुआ था दाल उसको डाल देंगे और इसको 2 सीटी आने देंगे। एक साथ सब्जी डालेंगे तो सब्जी ज़्यादा कुक हो जाता है, फिर वो सांभर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने उसको बाद में डालने के लिए रखा हुआ है। 2 सीटी हो गए, दाल हमारा अच्छे से कुक हो गया है। बाकी जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो अभी सब्जी के साथ अच्छे से कुक हो जाएगा, तो अब हम इसमें सब्जी ऐड कर सकते हैं। सब्जी आप कोई सा भी डाल सकते हैं, जैसे कि इसमें आप कच्चा पपीता या फिर सहजन की फली भी डाल सकते हैं, पर इसमें आप आलू, बैंगन या फिर टमाटर ना डालें, फिर ये डालमा बन जाता है, सांभर नहीं बनता। सांभर की तरह इसका कोई टेस्ट नहीं आता। आपने साउथ इंडियन होटल में देखा होगा कि उसमें आलू, बैंगन या टमाटर वगैरह नहीं डालता। तो मेरे पास ये सब्जी थे तो मैंने ये डाल दिया। एक सीटी और आने देंगे, अब एक सीटी हो गया है, आप देख सकते हैं सब्जी को हमने बाद में डाला है, इसलिए ये अभी अच्छे से हो गया है, वरना एक साथ डालते तो ये बहुत ज़्यादा कुक हो जाता, फिर सब्जी दिखता नहीं। हो गया है अभी ये, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए एक पैन ले लेंगे, सरसों का तेल ऐड कर देंगे, 2 या 3 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं इसमें। अब इसमें मैंने जीरा और ये पंचफोरन डाल दिया है। सॉरी, मैंने पहले जीरा नहीं दिखाया था। हरी मिर्च डाल दिया, प्याज डाल दिया, थोड़ा सा इसे सॉटे कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें हम एक एक करके मसाला ऐड करते जाएंगे। अब इसमें सूखी लाल मिर्च डाल दिया, कड़ी पत्ता, पंचफोरन, लहसुन और कड़ी पत्ता का स्मेल इसमें बहुत अच्छा आता है। स्वादानुसार नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला हुआ है, तो नमक अपने हिसाब से डाल दीजिए। हींग डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, कलर अच्छा आएगा इसमें। जीरा पाउडर डाल दिया, अब
अब सांभर मसाला डाल दिया मैंने, 2 टेबलस्पून ले रखा है, थोड़ी देर इसे भून लेंगे। अब इसमें हींग डाल दिया थोड़ा सा, थोड़ा सा पानी देके उसे इमली का पेस्ट भी डाल देंगे इसमें। मसालों को एक साथ थोड़ी देर मिला लेंगे। लहसुन डाल देंगे, लहसुन को मैंने कूट लिया था, आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इस तरह बनाने से सांभर का टेस्ट और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। सारे मसाले भून गए हैं, अब हम इसमें सांभर ऐड करेंगे। सांभर डालने के बाद इसमें हम ढक देंगे ताकि इसका जो स्मेल है वो अंदर ही रहे तड़के का। थोड़ी देर हम इसे चला लेंगे, 5 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। बनकर तैयार है हमारा सांभर। आप इसे इडली, डोसा, वड़ा या फिर राइस के साथ खा सकते हैं। तो आप ही बनाइए ये सांभर की रेसिपी, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।